मोतिहारी में भाजपा से शुद्ध होकर काफी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन थामा है। जिले के चिरैया विधानसभा के बीजेपी के पताही मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान अपने समर्थकों के साथ आज राजद में शामिल हुए। पार्टी के जिला अध्यक्ष और चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अक्षय लाल यादव के समक्ष सभी ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अशोक चौहान के साथ साथ कई दर्जन कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने सभी को सदस्यता दिलाई। वहीं इस मौके पर राजद के नगर प्रभारी लाल बाबू खान, राजद नेता अक्षय लाल यादव समेत दर्जनों नेता मौजूद रहे। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल पताही का अध्यक्ष था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इससे वहाँ के स्थानीय विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी जो हैं भटक गए हैं। सबका साथ सबका विश्वास तो उनको चाहिए, लेकिन केवल और केवल अपना विकास चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बाप बेटा और सरबेटा की पार्टी बनाकर चिरैया विधानसभा में रखना है। केवल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है, बाप बेटा और सरबेटा तीन आदमी का चलता है। तीसरी बात यह है कि जनता के जन सरोकार के मुद्दा से उनका कोई सरोकार नहीं है। अपना पेट भरे, अपनी तिजोरी भरे, इसमें लगे रहते हैं। और इसका प्रमाण है कि विधायक प्रतिनिधि, जो वर्तमान विधायक प्रतिनिधि अभी जेल की हवा खा रहे हैं, MDM का चावल उनके आवास से पकड़ा गया, इसमें विधायक जी का हाथ है। आज राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के काम और उनके व्यवहार और अक्षय लाल यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं चिरैया से विधानसभा के, इनके कार्य को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए प्रभावित होकर के हमारे पताही मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान जी अपने पूरे कमेटी के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। उम्मीद है पार्टी के लिए और काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में आकर के, पार्टी को और जिला को मजबूत कराएंगे ये लोग। और 2024 का पार्लियामेंट चुनाव पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और 25 असेंबली चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान जी जो यहाँ बैठे हुए हैं बगल में, और ये पूरे कमेटी के साथ लगभग कितने संगठन के लगभग कितने लगभग 100 आदमी है।